हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा फास्ट ब्लॉग है और मैं आज के ब्लॉग में आप लोग को, आज तो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का ब्लॉग में मैं आज आपको मंदिर का दर्शन कराती हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट ब्लॉग है और इसी में एक जन्माष्टमी है, तो ज़रूर आज तो कृष्णा जी का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं भी जा रही हूँ और आप सभी को भी आज कृष्णा जी का दर्शन कराती हूँ। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारे घर के सामने ही मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो उसी मंदिर का आप सभी को मैं दर्शन कराती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो मंदिर के दर्शन कराते हैं आप सभी को। तो ये हमारा रोड है और मंदिर पास में ही है, तो मंदिर में जन्माष्टमी है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में डेकोरेशन ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, जैसे डेकोरेशन भी ज़्यादा नहीं है। फिर भी आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा डेकोरेशन हुआ है और आप लोग को भी दिखाते हैं डेकोरेशन जो कि ये मंदिर में हो चुके हैं हम लोग। और मंदिर का व्यू मैं दिखाती हूँ आप सभी को। तो मंदिर में तो डेकोरेशन बहुत सुंदर ही हुआ है और देखिए आगे चलो चलते हैं और देखते हैं आगे का व्यू कैसा है, क्योंकि देख सकते हैं बहुत ही पुराना मंदिर है, लगभग 55 ईयर्स ओल्ड मंदिर है, जो कि हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है। मेरा पहले भी एक ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, बट वो फिर से मैं आज इस मंदिर का, जो कि जन्माष्टमी, इसलिए इस मंदिर का आज फिर मैं आप लोगों को पास में दर्शन करने आई हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और इस ब्लॉग में मैं स्मृति और इस जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मतलब फर्स्ट वीडियो मेरा ये होगा, तो फर्स्ट वीडियो जो होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना, हाँ जन्माष्टमी है तो मंदिर को दर्शन कराती हूँ, मैं भी करती हूँ और मेरा ब्लॉग में आप सभी को भी दिखाती हूँ। तो मंदिर के अंदर मैं एंट्री कर रही हूँ और आप सभी को भी दिखाती हूँ भास्कर। अभी पहले मैं यहाँ पर, तो लक्ष्मीनारायण विष्णु जी का मंदिर है, बट यहाँ पे मतलब आज जन्माष्टमी का पूजा होगा, रात 12 बजे कन्हैया जी का जन्म होगा, उस टाइम यहाँ पे उत्सव होगा, तो उसी का व्यू मैं दिखा रही हूँ, जो कि मंदिर का व्यू आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है। तो आप सभी देख सकते हो कि अभी हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं और मंदिर के अंदर जो कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया है, और मंदिर का डेकोरेशन तो एकदम बढ़िया है। और आज रात को 12 बजे यहाँ पर जन्माष्टमी का पूजा स्टार्ट होगा, जो कन्हैया जी के जन्म होगा उसको पूजा होगा। और यहाँ मंदिर का जो हम लोग पंडित जी हैं, उनसे भी मैं आप सभी को मिलाती हूँ, जो कि पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं। पंडित जी हाय बोलिए सबको। देखिए पंडित जी है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं हम लोग को, मतलब क्या बताएं, आप जब भी आते पंडित जी बुलाते हैं, हम लोग सब पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ पर शादी वगैरह भी होता है, जब शादी टाइम शादी भी होता है। और आगे भी मैं मंदिर के आप लोग का व्यू दिखा था, बहुत जानते हैं, तो पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी इस मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हम लोगों को। पंडित जी तो आप थोड़ा मंदिर के बारे में, मेरे जो भी लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं, उनको आप थोड़ा मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। 100 साल पहले का मंदिर है, ये मंदिर बहुत जागृत है, ये मंदिर में जो भी अपना कोई मंगत मांगता है उसका पूरा होता है। थैंक यू पंडित जी। और ये रहा मंदिर का बाउंड्री, जो कि यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है, वो आप सब लोग भी देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और मंदिर तो आप लोग देख चुके हैं, पंडित जी से भी बात कर चुके हैं, तो आगे का व्यू भी हम लोग देखते हैं। तो है हमारा मंदिर का व्यू, जो कि बचपन में हम लोग यहीं पे, अभी तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सबको बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ में इतना टाइम मिलता भी नहीं है, इसलिए कभी कभार हम लोग भी यहाँ पर आते हैं। जो कि मंदिर का अपोजिट साइड में एक शिव मंदिर भी है, उसका भी व्यू हम लोग दिखाएंगे। पहले भी ब्लॉक में मेरा देखा होगा वहाँ का व्यू, बट आज भी मैं फिर दिखाऊंगी वहाँ का व्यू। और आगे का भी जो मंदिर का साइड का जो चारों तरफ मतलब पार्क जैसा है, और जो कि बहुत ही सुंदर व्यू है, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा मंदिर है, लोग ही लोग है, अभी तो बहुत कम लोग है, लेकिन आज तो जन्माष्टमी फर्स्ट डे लोग थोड़ा कम ही रहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट डे और रात को पूजा होता है, उसके बाद नेक्स्ट कल का दिन आप लोग देख सकते हो बहुत सी गिरा रहता है, जो पूरा दिन यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। और अभी मैं आपको साइड का जो यहाँ पर शिव मंदिर है, शिव मंदिर का व्यू दिखाती हूँ, चलो चलते हैं आगे शिव मंदिर का व्यू देखते हैं। तो ये रहा शिव मंदिर जाने का एंट्री, तो अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आप सभी को इधर का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर लोकेशन है। यहाँ पे मैं तो यही बोलूँगी, जो लोग आप लोग आसपास के हो, एक बार इस मंदिर में विजिट करें और आके देख के जाएं, यहाँ के विजिट करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा सही में मंदिर कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, जो कि यहाँ पाने के बाद बहुत ही शांति महसूस होता है। और हम यहाँ पर देखो, हर भी कोई भी ओकेशन होता है तो इस मंदिर में पूजा होता है। यहाँ पर भी एक छोटा मोटा तुलसी माता का जो स्थान है, यहाँ पर भी पूजा पाठ किया गया है। ये रहा
शिव जी। शिव जी तो मेरा फेवरेट है, वो तो दिखाना बनता ही है, तो क्यों ना वो भी आप लोगों को मैं दर्शन करा ही देती हूँ। बट शिव मंदिर इतना सुंदर नहीं है, फिर भी मंदिर तो मंदिर होता है, सुंदर हो ऐसा भी, वहाँ तो भगवान को दर्शन करना ही है। तो ये रहे मेरे शिव जी, मेरे नहीं आप सभी का है, लेकिन मेरे कोई भी मन, जब भी मेरे मन में कोई बात आता है तो मैं बोलती हूँ शिव जी मेरे। ये रहा यहाँ का पूरा बाउंड्री, बहुत बड़ा बाउंड्री है। पहले तो यहाँ पे लोग साइड में, आप लोग देख सकते हो जो खाली जगह है वहाँ पे लोग आते थे, पिकनिक वगैरह भी करते थे, लेकिन अभी पिकनिक पॉइंट यहाँ से कुछ प्रॉब्लम कारण बंद कर दिया गया, जो कि यहाँ पर पिकनिक नहीं अलाउ नहीं किया जाता है, पहले पिकनिक वगैरह भी होता था। देख सकते हो हम लोग शिव जी के पास थोड़ा देर बैठ रहे हैं, शिव जी के सफर मतलब अच्छा लगता है, तो थोड़ा पाँच सात मिनट बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से उठ के फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो आगे देख ही सकते हो ये शिव जी का मंदिर है, जो कि कुछ दिन पहले जो सावन महीना गया उस टाइम यहाँ पर मतलब इतना हम हर मांडव कितना मतलब लोग आते थे, पूजा पाठ होता था, बहुत अच्छा लगता था। और आगे भी कोई भी मतलब जैसे होता है ना शिवरात्रि वगैरह होता है, तो उस टाइम यहाँ पर बहुत बड़ा पूजा होता है वगैरह होता है। हाँ शिवरात्रि टाइम में मैं आपको दिखा सब तो जरूरी है, सीन भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितना अच्छा मतलब पूजा पाठ होता है, कितना कैसा लगता है बोलकर। और आगे का तो अभी आप लोग देख ही रहे हो कितना सुंदर है, मस्त लोकेशन है यहाँ पे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, मैं ये जो मंदिर का लोकेशन मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये मंदिर का लोकेशन ये हुआ कि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट दुल्लभछोड़ा, दुल्लभछोड़ा जो इलाका है, दुल्लभछोड़ा इलाका के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर करीमगंज डिस्ट्रिक्ट दुल्लभछोड़ा पे कोई भी आके बोलेगा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो उसको कोई भी आपको लोगों को मतलब दिखा सकता है रास्ता कि कहाँ पर मंदिर पड़ता है नियरेस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पारी मंदिर मंदिर मतलब है, और यहाँ का फेमस मंदिर है। और ये तो बताया ही आपको कि ये मंदिर लगभग 55 ईयर्स ओल्ड मंदिर है, जो कि ये पहले टी गार्डन कंपनी के थ्रू से बनाया गया है। और ये टी गार्डन जब ये मंदिर स्थापित हुआ था तब यहाँ पर कोठारी टी गार्डन बोल के था, जो कि कोठारी टी गार्डन ने मंदिर को स्थापित किया है यहाँ पर। और फिलहाल तो कोठारी टी गार्डन नहीं है, फिलहाल तो विष्णु टी गार्डन है। तो विष्णु टी गार्डन के अंदर ये जो भी पूजा पाठ होता है गार्डन के अनुसार ही होता है, और जो पंडित जी योग इनको भी गार्डन के थ्रू यहाँ पर रखा गया है पूजा पाठ के लिए। तो शायद आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। तो आज का स्पेशल ब्लॉग मेरा यही था, और नेक्स्ट डे मैं यही आप लोग कोशिश करूंगी, आप लोगों को बोला था कि मैं टी गार्डन को विजिट करूंगी, तो टी गार्डन जो गार्डन लगा है उसको भी मैं विजिट करने वाली हूं। बट कुछ बारिश के प्रॉब्लम के वजह से और मैं गार्डन को विजिट नहीं कर पा रही हूँ, तो गार्डन भी विजिट करूँगी बहुत जल्दी। मेरे ब्लॉग में आप लोग गार्डन का भी गार्डन एरिया भी दिखाऊंगी, और गार्डन के साथ आप लोग को और एक चीज़ दिखाऊंगी, जो कि यहाँ पर फैक्ट्री, फैक्ट्री में कैसे जो गार्डन से मतलब होता है सब दिखाऊंगी आगे, आप लोग समझ जाओगे। पहले गाइस आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैंने मंदिर दिखाया, मंदिर का दर्शन कराया। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो आज का, यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, आज का मेरा ब्लॉग फर्स्ट डे है, तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा मेरे को, मेरे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आप लोगों से मिले। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग यहीं तक, तो बाय बाय।